এবার যে খবরের দিকে নজর রাখবো, কলকাতা ঝাড়খণ্ড সহ আরো একাধিক জায়গায় ইডির তল্লাশি অভিযান। আবগারি দুর্নীতি মামলাতেই তল্লাশি অভিযান ইডির। কলকাতা ঝাড়খণ্ড ছত্তিশগড়ে ইডি তল্লাশি অভিযান। এই আবগারি দুর্নীতি মামলা, সেই আবগারি দুর্নীতি মামলাতে যেখানে একের পর একাধিকবার ইডি তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে, সেই বিষয়ে কিন্তু আবারও তল্লাশি অভিযান চালিয়েছে ইডি। তিন রাজ্যে দাঁড়িয়ে ইডি তল্লাশি অভিযান, কলকাতা ঝাড়খণ্ড ছত্তিশগড়ে ইডি তল্লাশি অভিযান। আবগারি দুর্নীতি মামলাতেই ইডির তল্লাশি অভিযান, ঝাড়খণ্ডের মন্ত্রীর বাড়িতে ইডির তল্লাশি, বেশ কিছু নথি বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। কলকাতা ঝাড়খণ্ড ছত্তিশগড়ে ইডির তল্লাশি অভিযান চলছে। আবগারি দুর্নীতি মামলায় তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে ইডি। আমরা বিষয়ে আরো জানব। ফোনে রয়েছেন প্রতিনিধি নীরজ ঠাকুর। নীরজ জি, আবগারি দুর্নীতি আবগারি যো কেস হ্যায় ইসমে ইডি নে রেড জারি কিয়ে হ্যায়, ইস বার মে ক্যা জানকারি মিল রহি হ্যায় আপকো? কলকাতা আর झारखंड तीन सेट पर ये रेड चल रही है। छत्तीसगढ़ में जो मुख्यमंत्री के करीबी हैं, उनके ओएसपी हैं, उनके यहाँ भी रेड हो रही है और तमाम जगहों पर हो रही है। वही उसी तरह से जो झारखंड है वहाँ रेड चल रही है, कोलकाता में रेड चल रही है। ये जो ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था, जिसमें कहा गया था कि छत्तीसगढ़ के गलत तरीके से शराब के जो ठेके हैं वो दिए गए थे और उस पर बहुत पैसा बनाया गया था और उस पर कौन कौन से जो कारोबारी है उनके यहाँ गया था, उसकी तलाश जो की जा रही थी और ये रेड उसी की ध्यान में रखकर की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने आरोप लगाया कि छत्तीसगढ़ और दूसरी जगह पर यह कार्रवाई जो है एक तरह से चुनावों में हार से बौखलाकर जो है वो कर रही है। बीजेपी जो है वो सरकार जो केंद्र सरकार वो करवा रही है और छत्तीसगढ़ में जो रेड चल रही है इस वक्त उसका नतीजा सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल अपोनेंट को निशाना बनाना है। फिलहाल इस पर राजनीति भी गरमा चुकी है और जिस तरीके से अभी रेड चल रही है, शाम तक देखते हैं कि क्या उसमें निकलता है। जी, बहुत शुक्रिया आपको। हमारे संगे फोने छिलेन प्रतिनिधि नीरज ठाकुर।